नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। यूरिक एसिड की बीमारी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, आखिर ये बीमारी है क्या? यूरिक एसिड अपने आप में एक बहुत गंभीर बीमारी है, जो हम लोग भोजन करते हैं प्रोटीन के रूप में, वहाँ प्यूरिन के फॉर्म में टूटता है और यह प्यूरिन ही यूरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। जब हमारे बॉडी के सारे सारे फंक्शन अच्छे से काम करते हैं तो यह कंटिन्यूअस हमारे बॉडी से यूरिक एसिड निकलता रहता है, लेकिन किसी कारणवश जब यह हमारे शरीर से नहीं निकलता है तो हमारे शरीर के विभिन्न जगह पे जमा हो जाता है। जिस तरह से एक आईना टूटता है, टूटने के बाद जिस तरह से शीशे का कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है, ठीक तरह से यूरिक एसिड का कंस्ट्रक्शन है। यह हमारे शरीर के जिस पॉइंट में जाकर टूटता है वहाँ एड्रेस हो जाता है इन्फ्लेमेशन। यह खासकर हमारे पैर के अंगूठा में या छोटी उंगली में, कंधे में, हिप रीजन में या शोल्डर में कहीं भी जमा हो जाता है और बहुत तेज दर्द होता है। यूरिक एसिड जब किसी को हो जाता है तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, पेशेंट को कैसा फील होता है, कब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब पेशेंट का यूरिक एसिड बढ़ता है, बहुत तेज दर्द होती है, खास करके पैर के अंगूठा में, छोटी उंगली में, घुटने में, या कभी कभी पैर, जब पेशेंट सुबह उठता है उसके जब अपने पैर को नीचे की तरफ रखता है तो उसे बिल्कुल पैर जमीन पर रखा नहीं जाता है, इतनी तेज दर्द होती है। क्योंकि यूरिक एसिड का कंस्ट्रक्शन ही जो हमारा ग्लास क्रैक होता है उसी के की तरह उसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए बहुत तेज दर्द उसमें होती है। तो पेशेंट को जब वीकनेस लगने लगे और शरीर के एक एक बिल्कुल हमको ऐसा शो होता है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, उस कंडीशन में हम लोग जा करके पैथोलॉजी में टेस्ट करवाते हैं कि पेशेंट का यूरिक एसिड का क्या लेवल है। क्या ये शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है? यूरिक एसिड को जनरली हम लोग यही समझते हैं कि यह हमारा शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है, यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। यूरिक एसिड का या शरीर में जितने भी कॉन्टेंट है एक नॉर्मल लेवल में रहना आवश्यक है और वह हमारे शरीर के विभिन्न मेटाबोलिज्म को कंट्रोल करता है। यूरिक एसिड के साथ यदि 3 से 6 पॉइंट तक इसका वैल्यू नॉर्मल है, 3.2 से 6.2 तक, यदि इस वैल्यू से ऊपर जाता है या नीचे आता है तभी पेशेंट को कोई परेशानी होती है। यूरिक एसिड हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है, क्योंकि यूरिक एसिड का केमिस्ट्री और कैफीन का केमिस्ट्री देखें तो दोनों लगभग इक्वल आता है। इसके अलावा यूरिक एसिड हमारे इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करता है और यूरिक एसिड हमारे एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, क्योंकि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में बनने वाले हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोजन रेडिकल और किलेट आयरन जो है बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है तो शरीर में विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन सबको कंट्रोल करने का काम भी यूरिक एसिड करता है। तो केवल यह वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल लेवल में रहे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यूरिक एसिड का बढ़ना, जिसे कि गाउट भी कहा जाता है, ये क्या होता है? जब यूरिक एसिड आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो इस तरह के पेशेंट को गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है। गाउटी आर्थराइटिस में जितने भी शरीर के ज्वाइंट हैं उसमें ज्वाइंट में मोनोसोडियम यूरेट जमा हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है और बहुत तेज दर्द होता है। और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जब तक हम उसका खान पान पेशेंट का कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक यूरिक एसिड कंट्रोल में नहीं आता है। जब तक पेशेंट अपने आप से पूरी तरह से डाइट करेगा तब तक किसी पेशेंट का नॉर्मल नहीं हो सकता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए विटामिन सी बड़ा अच्छा भूमिका निभाता है। इसके लिए पेशेंट को नींबू का सेवन करना चाहिए। वैसे तो नींबू एसिडिक है लेकिन बॉडी में जाके यह अल्कलाइन हो जाता है। यूरिक एसिड वाले पेशेंट को शाम के समय में एप्पल साइडर विनेगर किसी अच्छी कंपनी का लेकर के एक गिलास गर्म पानी में 5 ml लेकर के और उसको रात को सुते समय प्रतिदिन पीना चाहिए। इसके अलावा सप्ताह में 1-2 दिन
सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, शाम के समय में उसमें नींबू डाल करके एक ग्लास गर्म पानी में 5 ग्राम बेकिंग सोडा और 5 ग्राम नींबू का रस डाल करके सप्ताह में 2 दिन लिया जाए, इससे भी किसी प्रकार जल्दी कम होता है। एसिड के पेशेंट को सुबह के समय में लगभग 2 साइज का 2 खीरा और 3-4 सेव सुबह के समय में उसका सेवन करना चाहिए। इससे यूरिक एसिड बड़ा अच्छे से डिजॉल्व होकर ब्लड में निकल जाता है। इसके अलावा धनिया की पत्ती का हम लोग चटनी बना लेते हैं, उसका जो जड़ बचता है उसको एक उबाल करके काढ़ा लिया जाए, इससे भी यूरिक एसिड बड़ा जल्दी कम होता है। इसके अलावा यदि धनिया का बीज है उसको भी काढ़ा बना करके एक गिलास पानी में डाल करके लिया जाए, यूरिक एसिड इससे बड़ा जल्दी कम हो जाता है। यूरिक एसिड के पेशेंट को प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए और जो भी दाल का सेवन करते हैं दाल के स्थान पर उसमें इसी का सेवन करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी हेवी प्रोटीन का सेवन पेशेंट करता है उसको सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर सोयाबीन, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज, अंडे इत्यादि का सेवन पेशेंट को नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हर्बल साग सब्जियां भी हैं जिनमें जिनको खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिनमें पालक है, चुकंदर है, पोमग्रेनेट है, अनार, इसके अलावा मशरूम की सब्जी से भी और सोयाबीन से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल यदि नहीं किया जाए और जिन चीज़ों की चर्चा की गई उसका इस्तेमाल किया जाए तो धीरे धीरे यूरिक एसिड कम हो जाता है और पेशेंट इससे पूरी तरह से मुक्ति ही पा लेता है। जिनको यूरिक एसिड होता है उनको क्या क्या सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती हैं? क्योंकि यूरिक एसिड का पेन बहुत तेज करता है, पेशेंट बिल्कुल आसानी अपने आप को महसूस करता है। ऐसे तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में 2 ही दवाएं हैं जो दी जाती हैं, लेकिन वो भी जिंदगी भर लेना पड़ता है, उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। लेकिन पेशेंट को सावधानी इसी बरतनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका किडनी डिसफंक्शन हो जाता है या किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, किडनी डैमेज होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बॉडी में डिपोजिट होने लगता है। तो जिस चीज से हमारे किडनी खराब होते हैं उसका सेवन पेशेंट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितने भी प्रिजर्व आइटम है या बिना मतलब की केमिकल युक्त दवाओं का सेवन पेशेंट को नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि हम बॉडी बनाने के लिए तरह तरह के प्रोटीन का सेवन करते हैं जिसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम है, तो बॉडी तो बन जाता है, बॉडी बनने के साथ साथ हमारे बॉडी में तरह तरह के यूरिक एसिड के रूप में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं जो हमारे विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न करता है। तो आर्टिफिशियल जो भी प्रोटीन्स हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए, प्रिजर्वेटिव का सेवन नहीं करना चाहिए, बिना मतलब कोई दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए और हमेशा ताज़ा और कच्चा भोजन अधिक करना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा पका हुआ भोजन करता है तो उसी तरह के व्यक्ति को यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो जाती है। जितने भी डायूरेटिक चीज़ें हैं, खासकर खीरा है, मूली है, शलजम है, ये सब चीज़ों का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा एक जड़ी बूटी होता है जिसका नाम है पुनर्नवा, पुनर्नवा और गोखरू का सेवन भी किया जाए तो इससे भी यूरिक एसिड हमेशा कंट्रोल में रहता है। जिनको यूरिक एसिड होता है क्या उनको योगाभ्यास या प्राणायाम करना चाहिए? योगाभ्यास प्राणायाम हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं वो सबको रेगुलेट कर देता है, यानी कि उसको अच्छा कर देता है। जब तक हमारा बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक यूरिक एसिड बॉडी में डिपोजिट नहीं होगा। तो जब भी हम आसन प्राणायाम करते हैं तो हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो अच्छे से काम करने लगता है। तो यूरिक एसिड के कंडीशन में जब हम ज्वाइंट को हिलाने का काम करते हैं तो वहाँ जमा हुआ यूरिक एसिड यदि डाइट कंट्रोल के साथ हमको योगाभ्यास प्राणायाम किया जाए तो वहाँ डिपोजिट जो भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स है वो अपना स्थान छोड़ने लगता है। तो वैसे पेशेंट को खासकर धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, सूक्ष्म आसन करना चाहिए जिसमें हाथों की उंगलियों को हिलाने का काम करना चाहिए, धीरे धीरे अपने ज्वाइंट को हिलाना चाहिए, कमर के ज्वाइंट है, शोल्डर के ज्वाइंट है, इनको धीरे धीरे एक्टिवेट करना चाहिए और इसी तरह से पैर के जितने भी ज्वाइंट हैं और हमारे हिप के ज्वाइंट हैं उसको धीरे धीरे हम लोग चलाते हैं। तो इससे होता क्या है कि बॉडी के एक तो फंक्शन अच्छे से काम करने लगते हैं, दूसरा कि वहाँ जो डिपोजिट टॉक्सिन है वह धीरे धीरे हमारे सिस्टम में आकर के
मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो निश्चित रूप से पसीना बहाने वाला आसन और प्राणायाम दोनों करना चाहिए, जिसमें कपालभाति प्राणायाम में कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम और तेजी से जितने भी आसन होने वाले हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, शलभासन है, विभिन्न तरह के जो का सूक्ष्म आसन है, तो कर किया जाए तो यूरिक एसिड हमारा धीरे अच्छे होने लगता है। जिनका यूरिक एसिड बड़ा होता है उनको कच्चा लहसुन खाने की सलाह दी जाती है, क्या ये सलाह सही है? ऐसे तो जिनका एसिड बढ़ जाता है उनको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको लहसुन खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, तो जिनको लहसुन से दिक्कत नहीं हो वो लहसुन खा सकते हैं। तो सबसे पहले है कि इसको ट्राई करने के लिए हाफ किलो लेकर के लहसुन का एक दिन सुबह में खाली पेट खा करके पहले चेक कर लेना चाहिए। यदि लगता है कि लहसुन के सेवन से बॉडी में एसिडिटी बढ़ रहा है तो उनको लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन का ऐसे बहुत सारे लोगों में लाभ पड़ता है, लेकिन जिनको पहले से पित्त बढ़ा हुआ रहता है, एसिडिटी बढ़ी हुई रहती है, उनके जितने भी प्रॉब्लम है उनको इरिटेट कर देता है, इसलिए उस तरह के पेशेंट को बिना चेक किए लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। और जितने भी डायबिटिक चीजें हैं जिनसे पेशाब बहुत अधिक मात्रा में होता है या नॉर्मल से थोड़ा अधिक होता है, उसका भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसमें खीरा, मूली, शलजम इत्यादि का सेवन पेशेंट कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर नवीन, जाते जाते दर्शकों को अपना फोन नंबर बताते जाएं ताकि दर्शक आपसे सीधी बात कर सकें। पेशेंट को यदि कोई भी असाध्य समस्या है जिसके बारे में उनको जानकारी लेना है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9 9 3 4 6 7 1 2 9 डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।